नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास के पद व्याख्या भाग 6। ये जो हम करने जा रहे हैं ये रूप माधुर्य के अंतर्गत इनके पद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरदास जी सगुण कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और इन्होंने इन पदों के माध्यम से कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया है। तो आइए इनकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं कि शोभा सिंधु ने अंत लहेरी, शोभा यानी सुंदरता, सिंधु यानी सागर की, नय नहीं अंत यानी समाप्ति ले रही है। किसके सौंदर्य की समाप्ति नहीं हो रही? कृष्ण के रूप सौंदर्य की समाप्ति यहाँ पर नहीं हो रही है। नंद के भवन में भरी पूरी उमंग से चल रही हैं। ब्रज की जो बिथुनी, बिथुनी का मतलब होता है गलियाँ, ब्रज की गलियों में फिरती बहिरी, क्या बहता हुआ फिर रहा है? नंद के भवन में जो शोभा का सागर उमड़ रहा है उमंग से, वो ब्रज की गलियों में भी बह रही है। उसकी लहरें ब्रज की गलियों में भी पहुंच रही है। देखी जाई कि आज देखी मैंने कब, जब मैं गई थी गोकुल में घर घर बेचती फिरती दहीरी, कि जब मैं गोकुल के घर घर में दही बेचते हुए घूम रही थी तो मैंने उस सौंदर्य को देखा। कहने लगी कहो बनाई बहुत विधि, और क्या कहती हैं कि ऐसे लगता है कि बहुत विधि से उसे बनाया है। कहते हुए नय नहीं मुख सहश्रु, यानी सहश्रु क्या होता है, हजारों हजारों मुखों से, एक मुखों को मिलाकर भी अगर उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो वो नहीं हो पाएगा, निभही नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जशुमती के उधर से, उधर होता है गर्भ से, ऐसे माना, ऐसे कह रहे हैं कि वो यशोदा के गर्भ से अगाध यानी गहराई उदती उत्पन्न हुए हैं। उपजी ऐसा सबने कहिरी, कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, माता यशोदा के गर्भ से वो उत्पन्न हुए हैं ऐसा सब कह रहे हैं। सूर के श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि के समान सुंदर है, और ब्रज की वनिता, ब्रज की गोपियाँ, जो वनिता यानी गोपियाँ हैं, वो उसे अपने हृदय से लगाना चाहती हैं, उसे धारण करना चाहती हैं, अपने हृदय से उसे लगाना चाहती हैं। आगे वो क्या कहते हैं, श्याम हृदय जल सुत की माला अति अनुपम छाजे रे। श्याम यानी कृष्ण के हृदय में जल और सुत, जल का पुत्र कौन है? मोती। जल से कौन उत्पन्न होता है? मोती। मोती की माला है जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, शोभा दे रही है। मानो ऐसे लगता है जैसे बलाक होता है बगुला, जैसे बगुले पंक्तियों में उड़ रहे हैं, किसके आगे? नवघन यानी नए बादल के सामने उड़ रहे हैं। ये उपमा ही है जो कुछ उसके लिए उचित प्रतीत होती है, भ्रांजे यानी उचित प्रतीत हो रही है। पीत यानी पीले, हरित यानी हरे, सित सफ़ेद, अरुण लाल, पीले हरे सफ़ेद और लाल फूलों की माल यानी माला बनाकर राजत हृदय विशालरी, राजत है सुशोभित है विशाल हृदय पर, किसके? श्री कृष्ण के। मानो ऐसे लगता है जैसे इंद्रधनुष नभमंडल प्रकट भयो तही काल री। तही काल यानी उसी समय क्या प्रकट हुआ है? ऐसे लगता है आकाश मंडल में इंद्रधनुष उत्पन्न हो गया है। तो क्योंकि माला भी रंग बिरंगी है, इंद्रधनुष भी कई रंगों से बना होता है, और वो कैसे शोभित हो रही हैं वो माला, जैसे आकाश में इंद्रधनुष उसी समय पर आ गया है या प्रकट हो गया है। आगे वो क्या कहते हैं, भृगुपद चिन्ह उरस्थल प्रकटे कौस्तुभ मणि ढिंग बरसेरी। भृगु ऋषि हैं, महात्मा या ऋषि, उनके पद चिन्ह, उनके पैरों के निशान, ऐसे लगता है उन्होंने जो आभूषण धारण कर रखे हैं उनके जो उर हृदय स्थल की जो शोभा है वो ऐसे लगती है जैसे भृगु ऋषि के पैरों के चिन्ह हैं। उर यानी कहाँ पर? हृदय स्थल पर प्रकट हुए हैं। और इसके साथ साथ कौस्तुभ मणि, ये एक बहुमूल्य कीमती मणि है, कौस्तुभ मणि नाम है मणि का, ढिंग वहाँ पर बरसेरी कि कौस्तुभ मणि भी वहाँ पर विराजमान है। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं, को कितना सुंदर उन्होंने जो आभूषण पहन रखे हैं वो कितने सुंदर हैं। तो भृगुपद, भृगु ऋषि के चिन्हों के पास कौस्तुभ मणि भी
धिंग यानी पास कोस्तु मणि भी वहाँ दिखाई दे रही है। बैठे मानो शट, शट यानी छे, विदु यानी चंद्रमा, उनको देखकर ऐसे लगता है मानो छे चंद्रमा एक संग एक साथ अर्ध निशा आधी रात्रि में मिलकर हर्षेरी प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि छह चंद्रमा आधी रात्रि में एक साथ मिलकर प्रतीत हंस रहे हैं, यानी वो अपनी इतनी अधिक प्रकाश फैला हुआ है या इतना सुंदर उनका सौंदर्य है। विशाल भुजाएं किसकी है? श्याम सुंदर की। उस पर क्या लगाया जा रहा है? चंदन खोरी चढ़ायोरी, खोरी होता है लेप, और कृष्ण की विशाल भुजाओं पर चंदन का लेप लगाया जा रहा है। सूरदास जी कहते हैं सुभग अंग अंग की, कि सुंदर अंगों की जो शोभा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, यानी उनके प्रत्येक अंग की जो शोभा है वो सुंदर है। और ब्रज की जो ललना है, यानी ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो ललचा रही हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रही हैं। आगे वो क्या कहते हैं? देख माई रूप सरोवर साजो, की देखो हे माई, रूप का सरोवर सज गया है। यहाँ क्या बता रहे हैं कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, कि देखो रूप का सुंदर सरोवर सज गया है। ब्रज की वनिता वरवारी वृंद में श्री ब्रज राज विराजोरी, और ब्रज की जो स्त्रियाँ हैं, वनिता यानी स्त्रियाँ हैं, वो उस वर यानी श्रेष्ठ वारी जल वृंद में, कि वो कैसे उसके चारों ओर है, जैसे युवतियों रूपी जल समूह में श्री कृष्ण ब्रजराज यानी कृष्ण विराजे हुए हैं। लोचन जलज, उनके जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, आंखें जलज यानी कमल के समान सुंदर है। मधुप अलकावली कुंडल मीन सलोल, मधुप क्या होता है? भ्रमर या भंवरा, जो उसकी अलके हैं, अलके क्या होती है? लटें, लटकी हुई है, वो कैसे लगती है? जैसे भंवरा मंडरा रहा है, किस पर? कमल के समान सुंदर मुख पर। और उसके कानों में जो कुंडल पहन रखे हैं, जो आभूषण पहन रखे हैं, वो इस प्रकार हिल रहे हैं जैसे मानो मीन। मीन क्या होती है? मछली। सलोल यानी चंचल, क्योंकि मछली की प्रकृति क्या है? वो हिलती रहती है, जल में हिलती रहती है। तो ऐसे लगता है कि कानों में जो कुंडल है वो मछली के समान प्रतीत होते हैं। मछली के समान कैसे? चंचल प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो कुंडल उसके कानों में लगातार हिल रहे हैं। उर, उर यानी हृदय, हृदय चकवाक विलोकी वदन विधु, यहाँ क्या बता रहे हैं? जो उनका हृदय है वो कैसे है? चक्रवाक पक्षी है, ये पक्षी का नाम है चक्रवाक, जो चकवा और चकवी पक्षी हैं वो विलोकी देख रहे हैं। मुख वदन यानी मुख, वधु यानी चंद्रमा या चंद्र, जो चकवाक पक्षी है वो किसको देखता है? सारी रात वो चंद्रमा को देखते हुए बिता देता है। वैसे ही जो उसका हृदय है वो किसका हृदय? कृष्ण का हृदय चकवा पक्षी के समान है, जो मुख रूपी चांद को देख रहा है। बिछुरी रहे अनबोलरी, जैसे वे काफ़ी समय से बिछुरी यानी बिछुड़े रहे हो, और वो अनबोल बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ बोले चुपचाप वो बिछड़े हुए जो पक्षी है या हृदय है वो सुंदर चंद्रमा के समान मुख को देख रहा है। क्योंकि रात्रि के समय जब चकवा पक्षी अकेला हो जाता है, बिछुड़ जाता है, तो वो निरंतर लगातार चंद्रमा को देख कर ही अपनी रात व्यतीत करता है। आगे वो क्या कहते हैं? मुक्ता माल बाल पग पंक्ति करत कुलाहल कूल, मुक्ता मोतियों की जो माला उन्होंने पहन रखी है वो कैसे लगते हैं? जैसे बाल बग, बग यानी बगुले, ऐसे ऐसे प्रतीत होता है कि उन्होंने जो छोटे छोटे मोतियों की माला पहन रखी है वो बाल बगुले हैं, यानी बगलों के बच्चे हैं, छोटे बगुले हैं, और वो पंक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? करते हुए कुलाहल, कुलाहल क्या है? शोर करते हुए कूल, सुंदर सरोवर के किनारे, कूल अर्थात किनारा, किनारा किसका? सरोवर का, कि जैसे सरोवर के किनारे वो जो बगुला पंक्ति है वो कोलाहल कर रहा है, शोर कर रहा है, अपनी ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहा है। सारस हंस मोर सुख श्रेणी विजयंती समतूल, यहाँ वो क्या बता रहे हैं कि उनके जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं?
सारस के समान। सारस सफ़ेद रंग का प्रतीक है, हंस सफ़ेद रंग का प्रतीक है, मोर रंग बिरंगा, मोर सुक यानी तोता, श्रेणी और वैजयंती के सम यानी समान। ये सब पक्षियों के नाम हैं जो अलग अलग रंगों के होते हैं। अलग अलग रंगों को यहाँ पर दिया गया है कि कृष्ण भी अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण किए हुए हैं। पुरैनी कपीस निचोल, पुरैनी यहाँ पर क्या है कि वो क्या बताना चाहते हैं कि जो पुरैनी है, पुरैनी क्या है, नलिनी। नलिनी क्या होती है, छोटे छोटे आकार के जो कमल होते हैं, नलिनी पुष्प। और इसके साथ साथ कपीस, कपीस क्या है, कपीस का मतलब है काला पीला रंग जो मिलकर बनता है कपीस। इनका निचोल, निचोल इनका सार है। और सबसे अधिक ज़्यादा सुंदर क्या लग रहे हैं, जो काला और पीले रंग का जो संयोग है वो सबसे अधिक ज़्यादा सुंदर लग रहा है। विविध अंग बहुरति रुचि उपजावे, और जो कृष्ण के अंग हैं उनके सौंदर्य को देखकर बहुरति, रति क्या है, प्रेम का भाव, रुचि, रुचि यानी इच्छा, प्रेम उनसे जो उनके मन में, जो उनको देखने वाले हैं उनके मन में प्रेम के भाव को उपजावे, उत्पन्न करे। यानी जो कृष्ण के सौंदर्य को देख रहा है उसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कृष्ण इतने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं, श्याम आनंद कंद की शोभा। श्याम यानी कृष्ण कौन है, आनंद के कंद है, आनंद का सार है, या आनंद रूपी, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण की शोभा कैसी है, कहत न आवे, कही नहीं जा सकती। इतने ज़्यादा सुंदर हैं जो कृष्ण हैं, कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है यहाँ पर। और इसके साथ साथ उनके, उनकी जो शोभा दिखाई गई है कि वो कितने, उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हैं, कैसा उनका रूप है, कैसा उनका रंग है, और किस प्रकार गांव की गोपियां उनको देखकर मोहित हो रही है, वो सब यहाँ पर बताया है। और इसके साथ साथ वो बताना चाहते हैं कि जो आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण हैं उनकी शोभा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो ये हमारे आज जो हमने किए, ये रूप माधुर्य के अंतर्गत आने वाले पदों की व्याख्या हमने की है। उम्मीद करती हूँ ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई है। और इसके साथ साथ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन, जो जैसे ही वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।